नमस्ते। बुढ़ी भगवान में आप सबका फिर से स्वागत है और आज संकष्टी चतुर्थी है। हर संकष्टी चतुर्थी में मैं गणपति जी के लिए मोदक बनाती हूँ और आज तो अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए गणपति जी के लिए खास सुक्का मेवा वाले मोदक बनने जा रहे हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो विंटर के हिसाब से एकदम हेल्दी है, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और अगर अच्छी बनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हमारी रेसिपी देख लेते हैं। मोदक की पारी बनाने के लिए हमें 2 बाउल जितना गेहूं का आटा लेना है और इसमें 1 चम्मच घी का मोयन भी डाल देना है। तो ये घी पहले हमें गरम कर लेना है और फिर हमारे गेहूं के आटे के ऊपर डाल देना है। फिलहाल ये गरम है तो पहले हम चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स कर देना है, जिससे कि हमारा जो मोयन है वो गेहूं के आटे के एक एक कण में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमें जो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। तो यहाँ हमारा मोयन अच्छे से लग गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट ऐसा डो बना लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटा गूंथ लेना है। यहाँ पे डो हमारा एकदम से तैयार है, इसे थोड़ी देर ढक के हम साइड में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा और तब तक मोदक के लिए जो स्टफिंग चाहिए वो भी हम बना लेते हैं। तो आटा बाजू में रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे हमने एक पैन रखा है जिसमें 2 चम्मच घी डाल देना है। इस घी को अच्छे से गर्म होने देना है। तो ये घी अब गर्म होके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खसखस। खसखस का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम 1/2 बाउल जितना जाड़ा जो नारियल का बुरंदा आता है वो इसमें डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा टॉस कर लेना है और हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें बारीक वाला नारियल का बुरंदा भी 1/2 बाउल जितना डाल देना है और इसे भी अच्छे से चला लेना है। बस 1 मिनट के लिए हमें इसे चलाना है, ये जल्दी से जल जाता है, इसलिए गैस का फ्लेम हमें तुरंत बर्न कर देना है। भुनी हुई जो मूंगफली रहती है उसे मिक्सर में ऐसे सेमी क्रश कर लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जाड़ा ही रखना है और इसे 1/2 बाउल जितना हमें हमारे मिक्सचर में डाल देना है और 2-4 चम्मच जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है उसका भी पाउडर डाल देना है। ये थोड़ा सा हमें जाड़ा ही रखना है जिससे कि मोदक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी चिरौंजी और किशमिश भी डाल देना है। यहाँ पे हमने किशमिश को थोड़ा सा ऐसे बारीक कर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए बाजू में रख देते हैं और तब तक हमें मोदक बनाने के लिए जो गुड़ चाहिए उसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/2 बाउल गुड़ यूज कर रही हूँ, आप ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं। तो इसे भी हम हमारे स्टफिंग में डाल देंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ा सा दबाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे कि इसका बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। तो यहाँ हमारा जो आटा है वो भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। तो ऐसे छोटी सी लोई हम लेंगे और इसे अच्छे से रोल करते हुए ऐसे हम पारी बना लेंगे। ऐसे उंगलियों से दबाते हुए हमें मोदक का जो कवर है वो बना लेना है। तो देखिए ऐसे सेमी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, हमारी पारी ऐसी ही बननी चाहिए जिससे कि इसका स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा और तेल में जाते ही हमारा मोदक नहीं फूटेगा। तो स्टफिंग हमने डाल दी है और इसे ऐसे बारीक बारीक प्लेट्स बनाते हुए अच्छे से पैक कर देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे मोदक का शेप कैसे देना है। उंगलियों से बारीक बारीक प्लेट बनानी है और ऊपर से इसे ऐसे पैक कर लेना है। तो यहाँ एक मेथड से हमारा मोदक बनके तैयार है। दूसरी ये मेथड है कि आप एक छोटी सी लोई ले, उसे एक चकले पे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख दें और एक कटोरी की हेल्प से इसे प्रेशर डालते हुए दबा देना है, जिससे कि इसे पारी का शेप अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए अच्छे से
सर्कल शेप मिल गया है तो आप इसमें भी स्टफिंग भर के इसे भी शेप दे सकते हैं। और आप दो तीन बार हल्के हाथों से बेल के भी लोई को अच्छे से शेप दे सकते हैं और मोदक बना सकते हैं। यहाँ मेरे मोदक के पूरे शेप बनके तैयार है और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है तो मैं मोदक को तेल में डाल दूंगी। तो पहले मैं ऊपर का जो जाड़ा वाला साइड रहता है उसे तेल में पहले डाल दूंगी, जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा और खाते टाइम कच्चापन महसूस नहीं होगा और वो भी एकदम ऐसे क्रिस्पी लगेगा। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि इसका जो कलर है वो एकदम इवन आएगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। कहा जाता है कि गणपति बापा को नारियल और गुड़ का जो भोग है वो बहुत पसंद है, तो आप भी इस मोदक को ट्राई करना और गणपति बापा को भोग जरूर चढ़ाना। ये मोदक गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं ऐसे ही पूरे मोदक को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे मोदक बनके तैयार है तो मैं अब गणपति बापा को इसका भोग चढ़ाऊंगी। और आप सबको भी संकष्टी अंगारकी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।